नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम शरीर के कुछ ऐसे लक्षणों के बारे में बात करेंगे, अगर वो आपको अपनी बॉडी में नजर आते हैं तो आपको अलर्ट होने की जरूरत है। लाइफस्टाइल बदलने के दौरान हेल्थ प्रॉब्लम भी बढ़ती जा रही है, लेकिन इन हेल्थ प्रॉब्लम्स के बढ़ने से पहले शरीर में कई तरह के लक्षण दिखते हैं जिसे बहुत से लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। जब हेल्थ प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो शरीर को वापस संतुलन में लाने में समय लग जाता है। आज हम आपको मानव शरीर में बीमार पड़ने के कुछ लक्षण बताएंगे जिसे पहचान कर आप शरीर को किसी भी बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम होने से बचा सकते हैं। पहला है लंबाई कम होना। कई बार कुछ लोगों की लंबाई कम होने लगती है, यानी आपकी लंबाई 5 फुट 7 इंच थी जो अब घटकर 5 फुट 6 इंच हो गई है, तो समझें कि आपकी हड्डियों का पतन हो रहा है और आप ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या से ग्रस्त हो रहे हैं। अगर आप इस संकेत को इग्नोर करेंगे तो आपको हिप फ्रैक्चर या कुबड़ेपन की समस्या जूझना पड़ सकता है। इसलिए हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए प्राकृतिक कैल्शियम विटामिन डी युक्त आहार भरपूर मात्रा में लें। दूसरा लक्षण है वजन का बढ़ना। कई बार कुछ लोगों का वजन पेट बढ़ने के कारण और कुछ का कुल्लों व जांघों के आसपास चर्बी के कारण बढ़ने लगता है। अगर आपका वजन पेट बढ़ने के कारण बढ़ रहा है तो यह हृदय रोग की ओर संकेत करता है, और कुल्लों व जांघों के आसपास चर्बी चढ़ना खराब स्वास्थ्य का संकेत है। हमेशा थकावट रहना। काम काज के कारण थकावट होना तो आम बात है दोस्तों, लेकिन रोजाना थकावट रहने पर बॉडी चेकअप करवाना बहुत जरूरी है। कई बार यह थकावट अवसाद, उच्च रक्तचाप, रक्त प्रवाह का ठीक ना होना और दिल से जुड़ी बीमारी का कारण बन सकता है। इसके अलावा थकावट के कारण तनाव होना या अधिक नींद आना विटामिन B12 की कमी से भी होता है। पेशाब का रंग पीला हो जाना। शरीर में अच्छी तरह से हाइड्रेशन होने पर यूरिन का रंग साफ होता है, लेकिन जब पीले रंग का यूरिन आए तो इससे पता चलता है कि आप पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थों का सेवन नहीं कर रहे हैं। इस समस्या से निपटने के लिए पानी, हर्बल या हरी चाय, नारियल पानी या ग्रीन जूस आदि का सेवन कर सकते हैं। खुर्राटे मारना। सांस लेने में किसी तरह का मुश्किल होना खुर्राटे आने का खास कारण है। कई बार गले के पिछले हिस्से में संकरा हो जाने पर सांस लेने की जगह संकरी हो जाती है, जिससे आसपास के टिश्यू में कंपन होने लगता है और खुर्राटे की समस्या हो जाती है। इस समस्या के होने पर फेफड़े के उच्च रक्तचाप की समस्या बढ़ जाती है। कई बार कुछ देर के लिए एलर्जी या खुजली होना तो आम बात है, लेकिन अत्यधिक खुजली होना शरीर में लीवर की खराबी की ओर संकेत करता है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपको भी अपनी बॉडी में कुछ ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं तो आप भी तुरंत अपना चेकअप जरूर करवाएं और अलर्ट हो जाएं। तो ये थी आज की जानकारी। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, आपको इससे फायदा होगा। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। आगे भी हम आपके लिए ऐसी स्वास्थ्यवर्धक जानकारी लेकर आते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।